हेलो फ्रेंड्स, उरुशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला पापड़ बनाने के लिए जो रेसिपी होती है वो। और इसके लिए मैंने लिया है एक प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, ककड़ी, एक हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हमें बारीक काट के लेनी है, हरा धनिया, सेव, पापड़। और मसालों में हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और तेल। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो हमने काटे हैं प्याज और टमाटर, ये सभी चीज़ों में हमें पहले से नमक नहीं मिलाना है। अदरवाइज़ अगर ये पानी छोड़ेगा तो ये सारा पापड़ पे आ जाएगा और सौगी हो जाएगा। और टमाटर काटने के वक्त आप ध्यान रखिए कि इसका जो सिर्फ स्किन लेना है, बीज का पोर्शन निकाल के इस तरह से ऐसा रख देना है ताकि सारा जो उसका जूस है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये पोर्शन जो है उसको हमें बारीक काटना है, तो इसी तरह से मैंने भी काट के रेडी किया है। आइए अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने के लिए मैंने गैस ऑन करके ये नॉनस्टिक तवा जो है वो इसको गर्म कर लिया है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली ड्राई रोस्ट करेंगे इसको, हमें इस तरह से सेकना है। अगर आप डायरेक्टली सेकोगे तो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं इसका शेप फिर अगर सिकुड़ जाता है तो आपको बनाने में आसानी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमें इसको ड्राई रोस्ट करके रेडी कर देना है। एक बार अगर इस तरह से ये थोड़ा सा सिक जाएगा तो उसके बाद आप डायरेक्टली भी गैस के ऊपर इसको रोस्ट कर सकते हो ताकि कंप्लीटली ये अच्छी तरह से सीख जाए। इस तरह से तो ये एक रेडी हो गया। अब जो रेस्टोरेंट में मिलता है तो ये पापड़ में, ये लोग रेस्टोरेंट में जनरली डीप फ्राई करते हैं, लेकिन हम डीप फ्राई ना करते हुए इसको सिर्फ थोड़ा सा तेल रख के सेक लेंगे। इस तरह से हम सेक लेंगे तो ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ही तेल इसमें यूज होगा। अब जबकि इन दिनों सब लोग ज्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते, तो ये आपकी चॉइस है। थोड़ा सा तेल रखने रेडी करना हो तो इस तरह से रेडी कर सकते हो, क्योंकि डीप फ्राई करने के बाद ये पापड़ में बहुत ही तेल रह जाता है कभी कभी। तो आप इसी तरह से अगर तेल वाला पसंद करते हो तो इस तरह से रेडी करके इसका मसाला पापड़ रेडी कर सकते हो। तो ये दो तरह के मसाला पापड़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा कच्चापन लग रहा होता हो तो आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा फटाफट घुमा के सेक सकते हो। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो आइए अब हम इस पापड़ को रेडी कर देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। आप हाथ से ही डालिएगा, चम्मच यूज करोगे तो एक ही तरफ प्याज रह जाएगा। तो इस तरह से अब टमाटर डालेंगे। ये पापड़ खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि बस मत पूछो। ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट में लोग पसंद खाना पसंद करते हैं। अब इसमें हम ककड़ी डालेंगे। और हरी मिर्च, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हो। अगर नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा। ये जो हमने फ्राई किया था, तेल यूज करके, ये भी हम इसी तरह से पहले प्याज, फिर टमाटर, फिर ककड़ी डाल के इसको रेडी कर देंगे। इसको देखते ही खाने का मन कर लेता है और टेस्टी भी इतना बनता है। ये हरी मिर्च जो है वो आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो, ज़्यादा या कम। हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि हमने नमक जो है बिल्कुल भी नहीं डाला।
दोनों में थोड़ा थोड़ा प्याज और ये टमाटर जो है ज़्यादा डालेंगे ताकि टेस्ट अच्छा आए। इस तरह से पूरा भर देंगे हम। नमक डालने के बाद हम लाल मिर्च डालेंगे, ये भी थोड़ा सा डालना है क्योंकि हम हरी मिर्च भी यूज़ करते हैं। और अब आएगा चाट मसाले, इसको भी हम इसी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा। और हरा धनिया, ये हरा धनिया भी बहुत ही अच्छा टेस्ट में भी और ये हमारी रेसिपी को भी बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। और ये हम सेव जो है, ये हम जो तेल डाल के सेका है इसको, इसके अंदर हम सेव डालेंगे। ये इसी तरह से रखेंगे, ये आपकी मर्जी है, आप सेव पसंद करते हो तो यूज़ करिएगा, अदरवाइज नहीं। और एक बार और इसको हम हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। और टमाटर, तो इसी तरह से हमारा मसाला पापड़ रेडी हो गया है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और अच्छा मसाला पापड़ रेडी हो गया है, आप ट्राई जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।